हो गया तीन चार इकट्ठे दे दो फिर मौसम आज धूप फल है सुबह सुबह की शुरुआत धूप से हो रही हो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जिम्बाल यहाँ है करते हैं आज दिन की शुरुआत और आज दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्यों क्योंकि आज हमें फाइनली मिलने वाली है वैक्सीन जिस वैक्सीन का बड़े दिनों से इंतजार चल रहा था जिसकी बहुत ही जुदाजहद चल रही थी बोला जा रहा था कि वैक्सीन कब मिलेगी वैक्सीन कब मिलेगी तो आज फाइनली वैक्सीन मिलने वाली है ठीक है मतलब कि कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत एक्साइटमेंट की होने की जरूरत क्या है जस्ट अ वैक्सीन बट भाई जिनको मिल रही है उनको पूछो और जिनको नहीं मिली उसकी वजह से कितने पंगे हुए वो भी पूछो तो जो चीज़ मिलती है ना वो खुशी खुशी लेनी चाहिए और उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और जो चैनल पे नए आए हैं वो पुराने वीडियोस देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस का एक मिश्रण दिया हुआ है आप जाके देख सकते हो तो बस अभी मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 9:30 हो चुके हैं तो मैं निकलूँगा थोड़ी देर में और वैक्सीन लगाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या सिनारियो चल रहा है वहाँ पे अगर मेरे को बड़ा कैमरा अलाउ किया तो वैसे कर देंगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कैमरा अलाउ कर देना चाहिए बाकी सी यू देयर गणेश भाई टीकाकरण हो जाएगा आपका भी टीकाकरण हो जाएगा जो बस कर रहा हूँ छाया हुआ ब्लॉगर है तो छाया हुआ आजकल गणेश सिगरेट कोड बाबा सिगरेट कोड ये तेरे पास है ना ऐसा कुछ फॉर्म मिला है फिल करने के लिए जिंदगी में नहीं किया होगा कभी तीन चार इकट्ठे दे दो फिर बोलेगी इन लोगों को वैल्यू नहीं है कोरोना की फोन कैमरा लेके घूमते रहते हैं तो YouTube पे आ रहे हो अभी हेलो बोल दो फॉलोअर्स को हाय आज दिन का सुबह सुबह कम पीता है करते हैं नहीं नहीं यार इतना इतना डर मानते हैं डॉक्टर का पोता हूँ इतना तो समझूंगा ही ठीक हो गया फाइनली इट्स डन Where's the waiting room? Yeah. Okay. Yeah. जिंदा तुम लोग? मेरे को अभी नहीं आया. दूसरे मंथ से बसल नहीं हुआ. Thank you, uncle. भाई क्या रहा था? Thank you. हाँ हाँ. लव वो बोल रहे अंदर बोल रहे बंदा बड़ा हिल बार रहा है बंदा. पर अब ठीक हो गया ना वैक्सीन लग गई बस. ये जरूरी था. पर आज जो गणेश जी ने हमें आश्चर्यचकित किया ना सुनने में आया गणेश जी पहले विसर्जित हो गए थे घर से गणेश जी कैसा महसूस हो रहा आपको वैक्सीन लेने के बाद बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है छाया हुआ गणेश जी दोनों वैक्सीन लिए आप तो अपने हैं डबल डोज वो 10 ले हम मुझे एरिया में ये नहीं वक्त का देखो पूरी सबको दिलवा रहा है मतलब मैं अंदर गया मैं तो चलो अपना व्लॉग शूट कर ही रहा था बट लोगों में वैक्सीन लगवाने से ज़्यादा क्यूरियोसिटी पता किस चीज़ की हो रही थी कि फ़ोटो खींचनी है फटाफट फ़ोटो खींचनी है ठीक है यार खुशी है मतलब बहुत गंदा साल गया है दो ये लोगों के अंदर वो आता ही है कि यार हमें वैक्सीन लगनी चाहिए अब इतना टाइम हो गया हम वैक्सीन क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं खुशी है मनानी चाहिए भाई देखो जो होना होता है वो सही टाइम पर ही होता है हम लोग इतना क्रिप कर रहे थे कि वैक्सीन नहीं लग रही वैक्सीन नहीं लग रही वैक्सीन नहीं लग रही लगी गई फाइनली वैक्सीन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिना मास्क के घूमना है मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ एक ही डोज लगा है और मैं आपको बता दूं कि मज़ा आया बाकी की वार्तालाप घर जाके करते हैं सर यहाँ पे ये बिल्डिंग में है तो अभी क्या हो रहा है कि जो जो लोग को वैक्सीन सेंटर मिल रहा है कुछ लोगों को बिल्डिंग के अंदर ही ऐसे सेंटर बना दिए गए हैं नीचे जिनकी शॉप्स खाली होती हैं कुछ लोगों को हॉस्पिटल में मिल रहे हैं और मेरा वैक्सीन का लगा 1200 रुपीज़ तो उसने वो कोविशील्ड वैक्सीन मिली है तो 1200 रुपये में मात्र ठीक है वो सरकार ने जो बोला वो 21 जून के बाद इम्प्लीमेंट होने वाला है तो अभी चाहिए थी ना अभी नंबर आ गया तो ले लिया उसमें अब इतना क्या सोचना पहले भी तो लोग इतना पैसा देने को रेडी थे कि 2000 ले लो 5000 ले लो तो हम वैक्सीन चाहिए और आई थिंक अभी वैक्सीन का जो काम है ना बहुत अच्छे से हो रहा है बहुत सही से लोगों का चल रहा है फ्लो तो दैट्स गुड मतलब कि
मैं तो खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ भाई। और पता भी नहीं चला भाई कैसे पटक हो गया। बस अभी आफ्टर इफेक्ट्स चेक करने की इसका क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं दोस्त लोग की बुखार हो जाएगा, कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं ये होगा वो होगा, आई डोंट नो क्या क्या होगा, वो तो घर जाके पता लगेगा। बट आई थिंक थिंग्स विल बी नॉर्मल। आई थिंक काफ़ी कुछ आप सब शेयर ऑलरेडी कर चुका था वैक्सीन को रिलेटेड, तो मेरे को दोबारा लगा कि कुछ अगर रह गया तो बता दूँ। तो अभी मेरे को घर आए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं भाई। जो एक एनर्जी लेवल होता है ना अलग ही है। मतलब मैं दाल चावल दही रायता जो होता है, एक आम पूरा, 4 रोटी सुनते जाओ, उससे पहले 2 समोसा और उससे पहले आई थिंक चिप्स का पैकेट। गुड लाइक पीपल आर सेइंग दे आर गेटिंग fever, they are getting fatigues, they are getting like you know chills and colds and other stuff, but I am getting the opposite thing. I am getting more hyperactive. तो समझ नहीं आ रहा। I try to sleep but नहीं हो पा रहा मेरे से। I was like कि बस ये कौन सा इंजेक्शन दे दिया मेरे को, कुछ और तो नहीं। मैं और अभिषेक वहाँ पर भी बात कर रहे थे कि क्या दे दिया भाई। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर माय इंस्टाग्राम, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज गो टू माई इंस्टाग्राम जमवाल, यहाँ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं यार, डोज क्या लगे हम तो अंग्रेजी मारने लग पड़े। तो थैंक यू फॉर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अपनी वैक्सीन नहीं लिया है तो कोविन ऐप पे जाके अपनी वैक्सीन ले लो, और जो जो अलग अलग ऐप्स में पे जाके ले लो, रजिस्टर कर लो। और कल से शायद मुंबई महाराष्ट्र 14 तारीख का तो खुलने वाला है, मॉल्स खुलेंगे 50% ऑक्यूपेंसी पे मॉल्स खुलेंगे आपके, फिर स्विमिंग पूल खुल जाएंगे, फिर उसके बाद आपके एक दो चीज़ें और हैं वो भी खुल जाएंगी। तो बट 50% लोग ही जा सकते हैं। और आई थिंक मॉल का ये लोग कुछ सिस्टम करने वाले हैं जिसमें ये लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लॉगिन सिस्टम रखेंगे कि अभी आपको ये स्लॉट मिला फिर आपको ये स्लॉट मिला है। तो दैट्स गुड, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, हमें तो हंसना है, एंजॉय करना है और हमें तो ट्रैवल करना है। तो सी यू, बाय बाय, टेक केयर, राम राम, राम राम।